और वोट लेकर इन लोगों ने हुकूमत की है और सीमांचल का इन लोगों ने शोषण और दोहन किया है, उसी के विरुद्ध हम लोगों का वहां पर जो सीमांचल अधिकार यात्रा करने के लिए अमेसी साहब आ रहे हैं। लेकिन राजद के साथ नीति जी इस वक्त बैठे हुए हैं और पूरे बिहार में मुसलमानों के साथ उनकी निर्मम हत्या हो रही है। 23 तारीख को बाबर की हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग हुआ उनका गया में, फैयाज की हत्या कर दी गई समस्तीपुर में, नसीब आलम की हत्या कर दी गई गोश्त के नाम पर छपड़ा में, दो मासूम बच्चों का 6-7 साल के बच्चों के साथ सामूहिक रेप हुआ है, शराब पी के रेप किया गया है बेगूसराय में। तो ये कानून का राज कहाँ पर है? नीतीश कुमार जी के कानून का राज आसमान पर है या जमीन पर? तो जमीन पर फिर अकलियतों का खून क्यों बह रहा है? बिहार विधानसभा के बाहर अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार चल रही है उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं ओवैसी की पार्टी के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान। क्या आरोप है आपका? देखिए, बीजेपी तो पूरे देश में अकलियतों को निशाना बनाए हुए है, लेकिन राजद के साथ नीतीश जी इस वक्त बैठे हुए हैं और पूरे बिहार में मुसलमानों के साथ उनकी निर्मम हत्या हो रही है। 23 तारीख को बाबर की हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग हुआ उनका गया में, फैयाज की हत्या कर दी गई समस्तीपुर में, नसीब आलम की हत्या कर दी गई गोश्त के नाम पर छपड़ा में, दो मासूम बच्चों का 6-7 साल के बच्चों के साथ सामूहिक रेप हुआ है, शराब पी के रेप किया गया है बेगूसराय में। और सरकार कहती है शराब पर पाबंदी लगा दी, सरकार कह रही है कि हम रूल ऑफ लॉ चला रहे हैं। तो ये कानून का राज कहां पर है? नीतीश कुमार जी के कानून का राज आसमान पर है या जमीन पर? तो जमीन पर फिर अकलियतों का खून क्यों बह रहा है? आपके बेटे के सुप्रीमो भी आ रहे हैं अख्तरुल साहब, क्या कार्यक्रम है? चूंकि सीमांचल में दौरे का कार्यक्रम आप लोगों ने शेयर किया, केंद्र और राज्य सरकार की नाइंसाफियों के नतीजे में जो सीमांचल पिछड़ा पड़ा है, सीमांचल आज भी गरीबी रेखा से नीचे की बड़ी आबादी वहां पर रहती है। पूरे बिहार में पर कैपिटा इनकम कम है, घनी नदियों पर पुल का निर्माण नहीं हो सका है। पिछले दिनों से वहां पर एयरपोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है, जमीन सरकार नहीं दे रही। पूर्णिया में हम लोग हाईकोर्ट का बेंच मांग रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है। हम स्पेशल पैकेज का मुतालबा कर रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है। इन 75 सालों में टैक्स लेकर इन लोगों ने राज किया है और वोट लेकर इन लोगों ने हुकूमत की है और सीमांचल का इन लोगों ने शोषण और दोहन किया है, उसी के विरुद्ध हम लोगों का वहां पर जो सीमांचल अधिकार यात्रा करने के लिए अमेसी साहब आ रहे हैं। चलिए, तो अख्तरुल ईमान जो हैं विधायक हैं ओवैसी की पार्टी के, और ये बता रहे हैं कि ओवैसी जब सीमांचल दौरे पर आएंगे तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठेंगे और सामने होगी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की वो सरकार जो महागठबंधन वाली सरकार है। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।